Hello my dear friends, welcome to competitive exam preparations. So friends, जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि on 1st February 2019 को पार्लियामेंट में बजट इंट्रोड्यूस किया गया. इस बजट को इंटरिम बजट का नाम दिया गया है by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो my dear friends, आज मैं आपके सामने इसी इंटरिम बजट की कंप्लीट समरी पेश करूंगा एंड आई होप दैट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपकी बजट रिलेटेड सारी क्वेरीज खत्म हो जाएंगी. एंड आई ऑल्सो विश कि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बजट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर पाएंगे. दोस्तों, इस साल का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे आप लोग आसान भाषा में बजट के नाम से बोलते हो, उसे हमारे करंट फाइनेंस मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी ने पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत किया. तो दोस्तों, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के सामने ये कहा कि अगर जिस स्पीड से, जिस डिटर्मिनेशन से प्रेजेंट गवर्नमेंट काम कर रही है, अगर इसी स्पीड, इसी डिटर्मिनेशन से काम चलता रहा आगे भी, तो बाय द एंड ऑफ 15 अगस्त 2022, जब हम और आप अपना 75th इंडिपेंडेंस डे मना रहे होंगे, तब तक हमारे देशवासियों को 24x7 इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा दी जाएंगी. हाउसिंग फॉर ऑल, हर फैमिली का खुद का अपना घर होगा. सैनिटेशन फैसिलिटीज, मतलब हर घर में शौचालय होंगे. फार्मर्स की इनकम डबल करने की भी बात कही गई है. तो ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के सामने बात कही रखी कि अगर जिस स्पीड, जिस पेस से प्रेजेंट गवर्नमेंट काम कर रही है, अगर इसी स्पीड, इसी पेस से काम चलता रहा, तो ये फॉलोइंग फैसिलिटीज बाय द एंड ऑफ 15 अगस्त 2022 हर इंडियन सिटीजन को प्रोवाइड करवा दी जाएंगी. उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा. We are the fastest growing major economy in the world today. With an average GDP growth higher during the last 5 years, higher than the growth achieved by any government since economic reforms began. From being the 11th largest economy in the world in 2013-14, we are today the 6th largest in the world. Generating high growth rate, we contain double digit inflation and restored fiscal balance. Inflation is a hidden tax and an unfair tax on the poor and the middle class. The average rate of inflation during 2009-2014 was a back-breaking 10.1%. The then Prime Minister admitted as much when he said, and I quote, "We have also not been as successful in controlling persistent inflation as we would have wished. This is primarily because food inflation has increased," unquote. Iske vipreet, hamari sarkar ne kamar tod mehngai ki kamar hi tod di. We brought down average inflation to 4.6%. Which is lower than the inflation during the tenure of any other government. In fact, inflation in December 2018, mehngai December 2018 mein sirf 2.19% par ghat kar aa gayi. If we had not controlled inflation, our families would have been spending 35 to 40% more today on basic necessities such as food, ट्रैवल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हाउसिंग. आप कल्पना करिए, 35-40% अधिक खर्चा होता हर परिवार का अगर हमने इस महंगाई पे लगाम नहीं लगाई. फ्रॉम द हाई ऑफ ऑलमोस्ट 6% 7 years ago, द फिस्कल डेफिसिट हैज बीन ब्रॉट डाउन टू 3.4% इन द रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 2018-19. द करंट अकाउंट डेफिसिट against a high of 5.6% 6 years ago is likely to be only 2.5% of GDP this year.
तो दोस्तों, इस बार का जो इंटरिम बजट था, इसकी खासियत ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर, फार्मर्स और लेबर, इनके लिए, इनको ध्यान में रख के बनाया गया है। वैसे तो हर एरिया कवर किया है, लेकिन मोस्टली एग्रीकल्चर, फार्मर्स और लेबर को ही ध्यान में रख के बनाया गया है। इसका रीजन हम और आप दोनों जानते हैं, इसका रीजन है चुनाव। चुनाव आ रहे हैं, इसीलिए मैक्सिमम वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट ऐसा करती है। ठीक है, सो दोस्तों, पहली स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए ही बनाई गई है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कौन है, हम कैसे कैरेक्टराइज करें कि ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है और ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर नहीं है। इसके लिए भी गवर्नमेंट ने थ्रेशोल्ड बताया है। थ्रेशोल्ड ये है कि अगर जिस फार्मर, जिन किसान की जमीन, खेती वाली जमीन अगर 2 हेक्टेयर से कम है, तो वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। और अगर वो इस कैटेगरी में आते हैं तो सरकार उनको सालाना, हर साल 6,000 रुपये उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर देगी। और हाँ, ये ध्यान में रखने की बात है कि 6,000 रुपये एक बार में ही इंस्टॉलमेंट नहीं की जाएगी, ये 6,000 की इंस्टॉलमेंट तीन बार, मतलब 3 इंस्टॉलमेंट में 6,000 रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन किसानों के बैंक अकाउंट में डालेगी। 3 इंस्टॉलमेंट मतलब 2,000 रुपये, 2,000 रुपये की 3 इंस्टॉलमेंट में ये पैसा हर साल फार्मर्स को दिया जाएगा। ठीक है, और एज पर अवर फाइनेंस मिनिस्टर, उनका कहना है कि इस स्कीम से 12 करोड़ फार्मर्स को फायदा मिलेगा। तो बस इस स्कीम का मतलब ये है कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को 6,000 रुपये साल का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी, दैट्स ऑल। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड इज राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। द सिंपल एम ऑफ दिस राष्ट्रीय कामधेनु आयोग इज टू एनहांस द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ काउ रिसोर्सेज। देखिए, काउ रिसोर्सेज मतलब दूध, घी, दही, इस पे और तो और जो गाय का गोबर होता है वो भी एक टाइप का रिसोर्सेज है। अब इन सारे रिसोर्सेज की प्रोडक्शन और तो और प्रोडक्टिविटी को कैसे बेटर किया जाए, उसके बारे में ये राष्ट्रीय कामधेनु आयोग काम करेगा। अब देखिए, आप सब जानते हैं, अगर ये सब प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है गाय के रिसोर्सेज की, उसके लिए स्पेशल हेल्थ एंड केयर फैसिलिटीज भी गाय को प्रोवाइड करवानी है, तो उसके लिए भी ये आयोग गवर्नमेंट को सजेस्ट करेगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट रिगार्डिंग राष्ट्रीय कामधेनु आयोग इज दैट दिस आयोग विल लुक आफ्टर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड वेलफेयर स्कीम फॉर काउ। गाय के प्रति वेलफेयर स्कीम्स क्या चलाई जाए, उनके बारे में भी ये राष्ट्रीय कामधेनु आयोग काम करेगा। ओके, अगर बात की जाए एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी सेक्टर की, सो हियर द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू क्रिएट अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी। ऐसा करने के 2 रीजन है। पहला, द गवर्नमेंट वॉन्ट टू प्रमोट अ फ्यूचर ग्रोथ ऑफ 7% इन दिस सेक्टर। ठीक है, दूसरा, इस सेक्टर में जो 1.45 करोड़ लोग हैं, उनके लाइवलीहुड को प्रमोट किया जाए, उसके लिए ये डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी काम करेगा। तो ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा है, अगर कोई भी व्यक्ति एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी सेक्टर में कुछ बिजनेस कर रहा है, कुछ इस सेक्टर से रिलेटेड कोई काम करेगा, तो उसमें गवर्नमेंट उस व्यक्ति को 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन देगी। अब बात आती है, ये इंटरेस्ट सबवेंशन होता क्या है। देखिए, मान लीजिए कोई फिशरमैन है, मान लीजिए उसको एक नाव लेनी है, एक बड़ी नाव लेनी है। ठीक है, मान लीजिए उस नाव की कीमत 20,000 रुपये है और आज की डेट में फार्मर्स के पास सिर्फ 15,000 रुपये हैं। वो जाता है बैंक के पास, बैंक वाले से कहता है कि सर मुझे 20,000 का लोन दे दीजिए। बैंक कहेगा 20,000 का लोन लेना है, ले लीजिए, लेकिन हमें विथ इंटरेस्ट 5% का इस पे इंटरेस्ट लगेगा और आपको 5% के इंटरेस्ट के साथ हमें पूरा लोन रिपे करना पड़ेगा। अब वो फार्मर कह रहा है, भैया हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि आपको 5% का इंटरेस्ट दें। तो वहां पर गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट कहेगी वो फिशरमैन से कि भाई तुम ऐसा करो, तुम 3% का लोन चुकाओ, तुम्हारे बिहाफ पर हम 2% का लोन हम देंगे। तो ये बात हुई इंटरेस्ट सबवेंशन की। तो यहाँ पर 2% इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब अगर 5% का कोई बैंक लोन लगाता है किसी पे, तो 3% का वो पर्सन देगा
और यहाँ पर गवर्नमेंट अपनी तरफ से 2% का लोन उस पर्सन के बिहाफ पर बैंक को देगी। ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आए तो एक बार फिर से रिप्ले करना, समझ में आ जाएगा। तो इसमें गवर्नमेंट का कहना है कि 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा हर उस व्यक्ति को जो कि इस सेक्टर में काम कर रहा है या इस सेक्टर को प्रमोट कर रहा है। दूसरा, अगर वो व्यक्ति ने, अगर उस कोई फार्मर ने या कोई फिशरमैन ने इस सेक्टर में काम पैसा लगाया और अगर उसने टाइम पर लोन को रीपे भी कर दिया तो गवर्नमेंट उनको 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन एक्स्ट्रा देगी। तीसरी स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। दोस्तों, ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ लेबर्स और वर्कर जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनको ध्यान में रख के बनाई गई है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इस स्कीम के तहत ये बोला गया है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कि वो लेबर्स और वर्कर्स जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको 3,000 रुपये प्रति माह, प्रति मंथ, पर मंथ, जो भी सोचो आप, 3,000 रुपीज पर मंथ ऐसा पेंशन जब वो 60 साल के हो जाएंगे उसके बाद सरकार उनके अकाउंट में 3,000 रुपये हर महीने डाल देगी। लेकिन उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन सुन लीजिए, कौन कौन इस स्कीम का फायदा उठा पाएगा। अगर आपकी एज 18 से 29 साल की है और आपकी सैलरी 15,000 या उससे कम है तभी आप इस स्कीम का फायदा उठा पाओगे। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपकी एज 29 साल है तो आप आज से जब तक आपकी उम्र 60 साल की नहीं होती तब तक आप सरकार को हर महीने 100 रुपये दोगे। ठीक है, और अगर आपकी एज 18 साल है तो आप आज से जब तक आपकी उम्र 60 साल की नहीं होती तब तक आप 55 रुपये सरकार को देते रहोगे। उसके बाद जब आपकी एज 60 साल की हो जाएगी गवर्नमेंट आपको हर महीने 3,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में दे देगी ऐसा पेंशन। तो ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन एक पेंशन स्कीम है जो आपकी रिटायरमेंट की एज के बाद आपको सरकार 3,000 रुपये आपके अकाउंट में देगी ताकि आप अपना गुजारा चला पाएं। आखिरी में रेलवे और समझ लेते हैं, रेलवे में क्या कहा गया। तो बजट में रेलवे के लिए बहुत ही कम कंटेंट था लेकिन जितना है वो हम समझ लेते हैं। कहा गया कि ऑल द अनमैन लेवल क्रॉसिंग ऑन ब्रॉड गेज नेटवर्क हैज कंप्लीटली बीन एलिमिनेटेड। इसका मतलब ये है कि जो पहले, जैसे आप यहां देखिए ये ट्रैक है, इसी पे रोड भी निकल रही है, यहां से ऑटो टैक्सी सब लोग निकल रहे हैं, कोई फाटक ही नहीं है। तो पहले फाटक की प्रॉब्लम थी तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर ऐसे ट्रैक पे ब्रॉड गेज नेटवर्क पर फाटक लगा दिए हैं क्योंकि पहले फाटक ना होने की वजह से एक्सीडेंट बहुत होते थे लेकिन अब फाटक लग गए तो अब लोग, एक्सीडेंट तो कम हो गए अगर देखा जाए तो। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सेफ्टी मेजर्स ले रही है, इतना बताया फाइनेंस मिनिस्टर ने। दूसरा एक बात और कही कि ये वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे हम लोग सेमी बुलेट ट्रेन भी कह सकते हैं या सेमी फास्ट ट्रेन भी बोल सकते हैं, ये लॉन्च कर दी गई, इतना और बोला है। मतलब यही दो चीज बोली गई कि एक अनमैन लेवल क्रॉसिंग जो ब्रॉड गेज नेटवर्क पे थी उसको कंप्लीटली वो एलिमिनेट कर दी गई है और ये वंदे भारत एक्सप्रेस जो सेमी बुलेट ट्रेन कहा जाता है इसको लॉन्च कर दिया गया है। बस इतना ही था आपका रेलवे में। दोस्तों, इन दी एंड मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।